इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन भोपाल, फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा छत्तीसगढ़, श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। समता ही सामायिक है, सामायिक में और कुछ नहीं होता है। माला तो फेरते हैं नमोकारनंद की, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि चारों दिशाओं का बंधन कर लिया, अब लाभ अलाभ, कोई शत्रु भी दिख गया तो भी समता, मित्र भी दिख गया तो भी समता, यही सामायिक है। और यही जीवन का सूत्र है, जैन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है समता। यानी जिसने समता रख ली तो विवाद होएगा नहीं। जैसे घर में जाते हैं, नमक कम डला, गुस्सा आ जाती है, तो भैया समता रखो। और समता रखने से पुण्य का बंध होता है, निर्जरा भी होती है कर्मों की, और सामने वाले को भी क्रोध नहीं आता। अपन ने किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते घर में, और बस वो अब वो कभी ना कभी वो निकालेगा फिर गुस्सा। अभी तो वो तुम बलवान हो तो वो कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन कभी वो बलवान होगा जब, तो फिर वो गुस्सा निकालेगा। ये होता ही है, हमने अधिकांश देखा जीवन में कि जो बलवान होता है ना, वो कमजोर है उसके ऊपर हमेशा उड़ेल देता है गुस्सा। तो समता ये अगर जिसने अपने जीवन में रख ली, उसके जीवन में समझ लो स्वर्ण योग आ गया, यानी सबसे बड़ा गुण है। मुनि महाराज के लिए हर क्षण परीक्षा की घड़ी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो मुनि महाराज समता ही रखते हैं। लेकिन जितनी समता होती है, जितनी क्षमता होती है, उतनी ही समता रख पाते हैं। तो ये समता सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि जीवन में अपन को सफलता पाना है और जीवन में ऐसा अपन को वातावरण बनाना है कि हमारे घर में स्वर्ग बने, कई लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए। स्वर्ग जाना बुरा थोड़ी होता, लेकिन स्वर्गवासी बुरा होता है कि लोग कहते स्वर्गवासी हो गए वो, और अब कौन कहाँ गया ये पता ही नहीं किसी को, लेकिन व्यवहार में यही चलता स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्ग घर को अगर बनाना है और नरक बनाना, ये आपके हाथ में है कि हम कैसे अपने जीवन को नरक बनाएं, स्वर्ग बनाएं, कैसे अपने परिवार को अच्छा बनाएं, कि हमारा परिवार, हमारा घर स्वर्ग बने। तो स्वर्ग अगर हम अपने घर को बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ बदलाव लाने होंगे। कि हम जब भी हमें क्रोध आता है तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि हृदय की बीमारी होती है, और क्रोध का आंतों पर भी खराब असर होता है, और रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति कम होती है, और क्रोध दर्द को भी बढ़ाता है, सिर दर्द आदि होते हैं ना, और भी बहुत सी बीमारियाँ जो होती हैं ना हमारे शरीर में, जो विष आता है। आज सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हो रही वो टेंशन के कारण हो रही हैं। अपने आज सप्त सात भय बताए हैं, लोगों को डर बना रहता ना किसी किसी कारण से, उसके कारण से भी बहुत सारे विकल्प रहते हैं। और लोग आज रोग जो होते हैं ना, शारीरिक रोग तो होते हैं, मानसिक रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को व्यापार की टेंशन। अभी जितने लोग बैठे हैं, चिंतन चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ मन में चल रहा होगा। जितने लोग बैठे ना, किसी को घर की चिंता, किसी को व्यापार की, सबके मन में चल रहा विकल्प है ना। तो ये विकल्प जो रहते हैं ना, यही टेंशन पैदा करते हैं, और टेंशन से ही बीमारियां होती हैं। इसलिए जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है। तो इसलिए कोई टेंशन करने की बात ही नहीं है, जो होगा सो होगा। अब अपन इस टेंशन को कम करते चले जाएं, और अच्छे से अपन भगवान की पूजन करें, अर्चन करें, इसी से ही पुण्य का बंध होगा और सब टेंशन अपने आप दूर हो जाती। एक मित्र था, पूर्व अवस्था में एक मित्र था, वो कहता था हम हमेशा एनासन रखते जेब में। क्यों रखते? बोले टेंशन नहीं लेते। उसके दो अर्थ थे, मतलब कभी सिरदर्द हुआ तो तुरंत टैबलेट खा लेते हैं, दूसरा था कि हम सिरदर्द पालते नहीं हैं। तो ये सिरदर्द आते कहाँ से हैं? हमारे द्वारा ही आते हैं, हम बुला लेते हैं। ये भी टेंशन तो सब जगह घूम ही रही है। कई बार लोग अपने दुख से दुखी कम हैं दुनिया में, पड़ोसी को देखकर ज़्यादा दुखी हैं लोग, कोई रिश्तेदार को, कोई घर के लोगों को ईर्ष्या। बस कहते ना कि पड़ोसी की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, पड़ोसी के पास कार है, हमारे मित्र के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, और मोबाइल देख लिया, हमारे पास भी होता ये, तो उसके कारण भी विकल्प आते हैं बहुत सारे।
और ये भी तो सोचिए कि जिसका जितना बड़ा घर होगा, जितना परिग्रह होगा, उसका दोष भी लगेगा उसको। इसलिए तो जो दान करते रहते जो वो इसलिए पुण्य का अर्जन करते रहते, और जो दान नहीं करते तो उनको पाप का बंद होता रहता है। इसलिए ये नहीं सोचना कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो बड़ा प्रभावशाली है, देखो महाराज जी भी उसके उसका नाम ले रहे हैं, उसका उसकी पूछ परख हो रही है सब जगह, लेकिन उसने पाप का अर्जन भी किया है। लेकिन अगर वो अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको पुण्य का बंद भी हो रहा है। इसलिए आज वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं कि कोई व्यक्ति है, पूर्व जन्म में उसने बहुत पाप किए हैं और वर्तमान में बड़ी पुण्य कर रहा है, हो सकता है कि वर्तमान में उसकी स्थिति खराब हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भी अन्य तरह से उसकी स्थिति खराब हो, और किसी ने पूर्व जन्म में पुण्य किए, वर्तमान में पाप भी कर रहा है, तो हो सकता है उसकी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में पुण्य किया था, उसके निमित्त से उसको अच्छा मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में वह पाप कार्य कर रहा है तो हो सकता है वह नरक में जाए। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं होता है। लोग अधिकांश लोगों के मन में जो आज के युवा हैं या जो आते हैं ना हमारे पास प्रश्न, लोग यही कहते हैं महाराज जी ऐसा क्यों होता है, हम उनके साथ अच्छा कर रहे हो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये अधिकांश आते हैं। तो ये तो अपने यहाँ जैन दर्शन का हमने तो PhD करी है कर्म सिद्धांत पे, ये साक्षात देखा है कि जैसा अपन करेंगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हम तो हमेशा यही प्रयास करते कि जितना बन सके लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाओ, मतलब लोगों से जितना ज़्यादा करीब रहेंगे ना उतना क्या होता है ना बुराइयाँ होती हैं, और जितना लोगों से दूर रहोगे ना उतना अच्छे संबंध बने रहते हैं। इसलिए लोगों को बस आओ, जो भी आते हैं लोग आए चर्चा करो, ज़्यादा घनिष्ठता भी कई कई बार घातक हो जाती है। इसलिए कहा भी है कि राजा है ना अग्नि है, इनसे ना और साधु है, इनसे ज़्यादा दूर भी नहीं रहो और एकदम पास भी नहीं रहो, तो ज़्यादा पास रहोगे तो भी ठीक नहीं। तो ऐसे ही अग्नि है, अग्नि में जैसे घी डालते हैं तो और अग्नि भभकती है, तो ऐसे हमारे परिवार में हो चाहे समाज में हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता हो, सामंजस्य बने, तालमेल बने, तो उसके लिए हमें यही प्रयास करना होगा कि भैया सबको हमें महत्व देना होगा, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। कई बार इन्हीं कारणों से ज़्यादा भेदभाव होते हैं, उनने ज़्यादा दान दिया है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसी ने छोटा सा दान दिया है, जैसे उस दिन बच्चे ने छोटा सा दान दिया गुल्लक का, उसका दान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने जो इकट्ठा किया होगा अपने अच्छे कार्य के लिए, अच्छी सोच होगी उसकी कुछ, लेकिन जब उसके मन में भाव आए दान के तो उसने अपनी गुल्लक का दान दे दिया। इसी प्रकार से हम भी ये नहीं सोचे कि ये छोटा ये बड़ा ये गरीब ये अमीर, और अधिकांश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं जातिवाद के कारण या इसी के कारण होते हैं, छोटे बड़े के कारण। तो हम जब भी हमें क्रोध आए तो हम क्या करें, तो क्रोध आने पर पहली बात तो जो हमने बताए हैं कि ये रोग जो क्रोध से होते हैं इनसे बचने का उपाय तो होता है, जब भी क्रोध आता है तो हम क्षमा धारण करें। तो लिखा है कि यह बैर महादुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। तो हम ये जब सोच लेंगे तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने भवों तक उपसर्ग हुआ, 10 भवों तक कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन उन वो क्षमा करते चले गए। अभी मोक्ष सप्तमी आने वाली है अगले रविवार को, यहाँ पर किस रूप में मनाई जाएगी ये हम अभी घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन मनाएंगे तो अच्छे से हम, लेकिन इधर तो सीमित लोग ही सिर्फ अभिषेक कर पाएंगे, निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे उस दिन। वैसे तो छठ को हमारा दीक्षा दिवस होता था और मोक्ष सप्तमी रहती थी एक दिन बाद, इस बार लेकिन ऐसा संयोग बन रहा है कि उसी रविवार को 26 जुलाई को मोक्ष सप्तमी भी है और छठ भी है और नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक भी है, और उसी दिन हमें दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था आचार्य भगवान के करकमलों से। 17वां मुनि दीक्षा दिवस है, तो आप लोग घर बैठे ही मनाएंगे अच्छे से, और घर बैठ के जैसे आपको मनाना है मोक्ष सप्तमी अच्छे से मनाना, और बाकी तो आप लोगों को अलग से जानकारी दी जाएगी। तो जहाँ जहाँ के लोग हैं, अब पूरे देश के लोग आते थे लेकिन अब देश के लोग इधर आने को सबको मना है,
आहार भी नहीं देने को मिल पाएंगे बाहर के लोगों को, इसलिए बाहर के लोग वहीं अपने घर पर बैठ के मनाएंगे और स्थानीय लोग भी घर पर बैठ के मनाएंगे, लेकिन जिन लोगों का पुण्य होगा उन्हीं लोगों को यह अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन चल रही है वर्तमान में उसी को देखकर ही हमें कार्य करना है, क्योंकि वर्तमान में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया कि रविवार के रविवार लॉकडाउन कर दिया, इसलिए कर दिया कि स्थिति आगे चतुर्मास वर्षा योग है, वर्षा योग में यह वायरस और अधिक बढ़ता है और वैसे भी बीमारियां आती हैं, तो आप लोगों को सावधानी से ही कार्य करना है। हम जितने भी पर्व आते हैं हमारे, जितने भी त्यौहार आएंगे, मनाएं घर पे ही बैठ के, जैसी मुनि महाराज जो आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो मुनि महाराज मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी अनुसार आपको यह पर्व और त्यौहार मनाना है। तो बात चल रही थी उस महिला की, वह महिला जब साधु के पास जाती है पूछती है महाराज आप कुछ दवा बता दो, तो महाराज दवा दे देते हैं। और वह महिला पहुंच जाती है और महिला जब महाराज के पास पहुंचती है, महाराज ने सावधानी भी बताई थी कि यह दवा बोतल से पी जाती है, और जब वह दवा ले जाती है महिला और कुछ दिन उस दवा का सेवन करती है तो उसका रोग ठीक हो जाता है। अब लोग पूछ रहे होंगे वह दवा कौन सी थी, कौन सी मेडिकल पे मिलती है, तो वह जो दवा थी वह दवा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जो उसका तरीका था वह महत्वपूर्ण था। तो पहले हम ये चर्चा करके उसको बताएंगे और पूर्ण करेंगे कि क्षमा फूल है कांटा नहीं, क्षमा प्यार है चांटा नहीं। क्रोध करने से कोई महान नहीं होता है, क्षमा से महानता मिलती है। जितने लोगों ने भी क्षमा किया है वही महान बने हैं, इसलिए क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। पहले क्या करते थे लोग, क्षमावाणी कार्ड डालते थे, अब मैसेज भेज देते हैं, तरीका बदलते जाते हैं, लेकिन आप भले ही मैसेज भेजो या ना भेजो लेकिन क्षमा जरूर मांग लेना, जिस निमित्त से जैसे बने तो ही सही वीर कहलाएंगे। तो क्रोध से दुश्मन को मारा जाता है और क्षमा से दुश्मनी को मारा जाता है। क्षमा दूसरों पर होती है, उत्तम क्षमा स्वयं पर होती है। और चार कसाय चंडाल चौकड़ी यह तो अपने भीतर हैं, क्रोध मान माया व लोभ की ज्वाला बड़ी भयंकर है, इस ज्वाला में जलते रहना आत्म को ही अहित कर है, रक्षा करना निज आत्म की, क्रोध बड़ा ही बिस्तर है, इस बिस्तर से बचकर चलना, समझो क्षमा स्वयं पर है, दया करो अपने आत्म पर, यही सबसे बढ़कर है। क्रोध स्वयं पर ही होता है, पर पदार्थ निमित्त भर हैं, क्रोधाग्नि से हम जलते हैं, जलता अपना ही घर है, निज घर को अब नहीं जलाना, उत्तम क्षमा श्रेष्ठ कर है। तो सबसे जैन दर्शन की रीढ़ है, परिभ्रमण का जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, उत्तम क्षमा। लेकिन क्षमावाणी कब मनाते हैं, बाद में, क्योंकि जब परिभ्रमण हो जाता है ना, पहले शुरू में आती धासन चौथ, उसके बाद रोटती जाती ना, फिर धासन चौथ, फिर शुरू हो जाते परिभ्रमण, फिर जब लोग खुल जाते ना, पूरे परिभ्रमण खुल जाते, भोजन आदि कर लेते, फिर क्षमावाणी मनाते हैं, क्योंकि खाली पेट में कैसे क्षमा मंगाएं, जब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तभी क्षमावाणी मनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। परिभ्रमण में हम देखते हैं लोगों के चेहरे उदास से रहते हैं, क्योंकि किसी का एकासन, किसी का उपवास, सब बैठे रहते हैं परिभ्रमण में, तो ऐसे लगता है तो सबको वैराग्य हो गया हो, बिल्कुल उदासीन आश्रम टाइप लगता है। इस बार तो और ज़्यादा उदासीनता रहना है, क्योंकि स्थितियाँ अलग हैं, तो उदासीन हो जाते हैं लोग 10 दिन परिभ्रमण में। ऐसे ही जब परिभ्रमण आएगा उसके बाद क्षमावाणी जब होगी, आप लोग भी एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, तो क्षमा पवित्रता है, सहिष्णुता है, अहिंसा की हरियाली है, आत्मा की खुशहाली है। क्षमा सबसे महान तप है, ध्यान है, स्वाध्याय है। जीवन भर पूजन पाठ किया और क्रोध नहीं छोड़ा तो सब व्यर्थ है। किसी ने प्रश्न किया महाराज जी वो तम्बाकू खाते हैं, वो पूजन करते हैं, वो क्रोध करते रहते हैं, हमने कहा देखो वो कम से कम पूजन कर रहा है, कभी ना कभी उसको लगेगा, हो सकता है एक दिन वो क्रोध धीरे धीरे छोड़ दे। वह महिला जो गई थी साधु के पास, साधु जब दवा देते हैं तो वह दवा लेकर आ जाती है और जब उसका उपयोग करती है उसका रोग ठीक हो जाता है। तो वह दवा कौन सी थी,
साधु से वह पूछती है, महाराज जिससे मैं ठीक हो गई हूँ वह दवा का नाम तो बताएं। साधु कहते रहने दो, क्या करना है? नहीं नहीं आप बताइए। तो साधु महाराज कहते हैं उस वह दवा कुछ और नहीं थी, वह जो बोतल में था जल था, लेकिन तुम जब मुँह में बोतल लगाती थी तुम्हारा मौन हो जाता था, क्योंकि जब व्यक्ति बोतल मुँह में लगाएगा तो बोलेगा नहीं। तो अधिकांश झगड़े जो होते हैं बोलने से ही होते हैं, किसी से कुछ आप बोल लोगे तो विवाद होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि समूह में ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि अधिकांश जो विवाद होते हैं, जब पंचायत होती ना इकट्ठी, एक बोलते हैं पर्यूषण के बाद एक आती अनंत चतुर्दशी, तो हम जब बुंदेलखंड में चतुर्मास हुआ था तब हमें मालूम चला कि किलकिल चौदस बोलते उसको, किलकिल होती ना उस दिन हिसाब किताब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ये हिसाब किताब के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं तो विवाद होते हैं, तो किलकिल चौदस बोलने लगे उसको। तो ऐसी किलकिल नहीं करना अपन को, है ना, अपन अच्छे से सबसे क्षमा मांगते रहें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, परिवार में घर में और समाज में रिश्तेदारों में अच्छा सामंजस्य बना रहे। उस महिला का उस दवा से क्रोध शांत हो गया, उसका जो रोग था उसका शांत हो गया। आपका भी यह रोग शांत हो, इसी भावना से हम जो हमने नैनो प्रतिकरण बताया था ये प्रतिदिन आप करें। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा, इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन भोपाल, फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर अकलतरा छत्तीसगढ़, श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।